रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कुटनी में अति पिछड़ा समाज पर भाजपा को भरोसा, सुशील मोदी बोले भूमिहार भी नहीं बर्बाद करेंगे अपना वोट। नवादा में मतदाता सूची जागरूकता पर निकली साइकिल रैली, लोगों को किया जाएगा जागरूक। बेतिया में गांव की लड़कियां भी आत्मरक्षा के सीखेंगी गुर, 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भागलपुर में अनुरक्षक ने किया पीने के पानी में खेत सिंचाई, स्थानीय वार्ड सदस्य के मदद करने पर हुई हाथापाई। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल, घंटों तक एम्बुलेंस का परिजनों ने किया इंतजार, ठेले पर मरीज पहुंचा अस्पताल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के द्वारा समृद्ध परियोजना के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए नरकटियागंज प्रखंड के 18 गांव की 40 लड़कियों के दल को फकीराना के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसको लेकर रोटरी क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने कहा कि अब गांव की लड़कियां भी आत्मरक्षा के गुण सीखेंगी। लड़कियां लखनऊ के प्रशिक्षकों द्वारा आत्मरक्षा का गुण सिखाया जाएगा। तो वहीं संस्था के गाजियाबाद कार्यालय संचालक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव में आए दिन अनेक हादसों की शिकार होती रहती है, इसलिए संस्था द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। नवादा के कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता सूची जागरूकता को लेकर साइकिल रैली को लेकर डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीडीसी दीपक मिश्रा ने बताया कि ये साइकिल रैली कलेक्ट्रेट से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को मतदाता सूची से जुड़ने को लेकर जागरूक किया जाएगा। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशिक्षण सहायक, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ शिक्षा विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे। मद्देनजर रखते हुए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और इसमें इस चौक से होते हुए वापस यहीं पर कंक्लूड होगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लोग हैं वो लोग जागरूक हों, फॉर्म 6, 6B, 7, 8 इन सब के लिए जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने मतदाता। पीरपैथी प्रखंड के राजगांव पंचायत के गौरीपुर गांव के वार्ड नंबर 9 के पूर्व नल जल अनुरक्षक के प्रति रविशंकर पांडे और मृत्युंजय पांडे के द्वारा पीने के पानी से रोजाना खेत में लगे फसल की सिंचाई की जा रही थी कि तभी ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय वार्ड सदस्य वहां पहुंचे, तो वहां अनुरक्षक के सभी पारिवारिक सदस्य वार्ड सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार तथा गाली गलौज करने लगे, साथ ही धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की गई। तभी ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। इस घटना की जानकारी जैसे ही मुखिया संतोषी मुर्मू को मिली तो उन्होंने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीण का भी शिकायत था कि मतलब पानी ये पटवन करता है, लेकिन आज तक हम इसको पकड़े नहीं थे, लेकिन मतलब कि संदेह था कि पानी पटवन ये करता है, क्योंकि उधर आसपास इनारा भी नहीं है, उधर खेत तरफ से जाते थे तो देख रहे थे पानी पटवन हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड रूप से ले गया था, हम उतना दिमाग में नहीं लेते थे। हमको सूचना मिला तो हम गए, वहाँ पर ग्रामीण लोग भी उपस्थित थे। एक दिन पानी अगर ग्रामीण में नहीं चलता है, हम 6 बजे से बस 8 बजे चलाते हैं, फिर 8 बजे बाद टंकी भर देते हैं फुल, ठीक, उसके बाद हाँ, फिर 4 बजे से 6 बजे चलाते हैं, फिर टंकी भर के फुल कर देते हैं, उसके बाद और इसके बाद नहीं। यानी दिन में सुने 3 बार चलाया जाता है? हाँ, नहीं 2 बार। बुढ़िया साहब बोले, सुनिए, हमसे बोले बुढ़िया साहब आप कौन हैं? हम उनको पापा हैं। 2 बार चलाना और 30-30 रुपया सबसे लेना है बुढ़िया साहब, नहीं तो काट देना, यही बोले हमको। सिंटू कुमार पांडे, उनके द्वारा फ़ोन पर हम लोगों को जानकारी दी गई कि कल शाम में ऐसी घटना हुई है, अनुरक्षक जल मीनार से पाइप लगाकर अपने खेत का पटवन कर रहे हैं। इसके बाद
उनके साथ थे जो अनुरक्षक हैं और उनका परिवार, जो हमारे सदस्य का कहना है कि उनके साथ गाली गलौज मारपीट भी किए और धमकी भी दे रहे हैं। और चूंकि हम लोग को इनके द्वारा साक्ष्य भी दिया गया है कि ये अपने मोबाइल से पाइप का फोटो भी खींचे हैं जो जल मीनार से पानी को ले जाया गया। नवादा के स्वास्थ्य महकमे की पोल खुलती नजर आ रही है। एक पिता को अपने बेटे के उपचार के लिए अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो वो बेटे को ठेले से अस्पताल तक ले गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने कई बार एम्बुलेंस के लिए कॉल करके सूचना दी लेकिन घंटों तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद मजबूरी में परिजन ठेले में लिटा कर अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो विभागीय गड़बड़ियों का खुलासा करती हैं। हड्डी का डॉक्टर है, मरीज को देखे भी नहीं? डॉक्टर साहब नहीं देखे। कहाँ से आया? क्या बीमारी है? पहले से इसको झटका आता था, एक एक मिनट के लिए आता था, पटना मिला चलता था इसको। एक बैग यहाँ दिखाए थे, चार बजे दिखाए थे, आज शाम को आ गए थे। इसको बुखार हल्का था तो ये इथ्रोमाइसिन गोली और एक तो पैरासिटामोल गोली लिखे थे, तो हम एक तो को खिलाए शाम को। आधे घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद इसको झटका नहीं आना शुरू। 8 बजे के आसपास इसको फीट आना शुरू हुआ, ठीक है? तो फीट आना शुरू हुआ तो हम लोग उसको अपने बाइक पे तो ला नहीं पाए, तो एक मोहल्ले का एक ठेला था उस पर लोड किए और इमरजेंसी में उसके पापा को पहले मैंने भेज दिया कि आप जाके ऊर्जा वगैरह जो कटवाना है वो कटवा लीजिए। बट यहाँ आने के बाद उनको बोला गया कि बिना देखे, मरीज अभी रास्ते में है, चौक पे था, तो उनके पापा को बोल दिया गया कि आप रेफर टू पावापुरी। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मजौलिया में बिहार क्रांति खेतीहर मजदूर यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता प्रभु नारायण राव ने किया। प्रदर्शनकारियों ने मोतीलाल उच्चतर माध्यमिक से रैली निकाली जो कि आगे जाकर धरने में तब्दील हो गई। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री ने कहा कि अधिकारियों के उदासीनता के कारण भूमिहीन भूमि के लिए अचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार में व्याप्त हो गया है। मजदूर यूनियन का आज मजौलिया अंचल कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीब विरोधी लगातार प्रशासन बनती जा रही है। पुलिस जो है बिना पैसा लेकर किसी का काम नहीं करती। गरीब जो जा रहे हैं उनके यहाँ तो पैसा देने वाला आदमी का वो काम करती है, गरीबों को भगा देती है। अंचल का वही हालत है, CO हो या कर्मचारी हो सब लूट रहे हैं। खबर नवादा से है, जहां जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कोरामा पंचायत के उप सरपंच पति ललित यादव हत्याकांड में SIT जांच की मांग की। दानवीर ने कहा कि सूबे लगातार मुखिया सरपंच, उप सरपंच समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की वजह से प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माँ ने बेटा अपना खोया है और उप सरपंच की पति का हत्या हुई है, और इसमें एक शब्द में मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस मामले की SIT जांच हो, SP के संज्ञान में कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा हो। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां लोरिया ब्लॉक में नाजिर के पद पर कार्यरत युवक को महिला उत्पीड़न केस में मेडिकल जांच के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि नगर थाना में विगत एक साल पहले उन्हीं की पत्नी कुमारी अरुणा देवी ने उन पर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उन्हें उनके निवास लोरिया मिश्र टोला से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने थाना क्षेत्र के धमौरा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया, जिसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर अभियुक्त अमरजीत कुमार के पिता मुनिंदर कुमार झा को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पेज, अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी में 3 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान घटनास्थल के पास पहुंचकर मृतक सुहेल आलम के माता पिता एवं दूसरे गवाहों ने बारी बारी घटना से संबंधित पूछताछ की और कार्रवाई लगभग 2 घंटे तक चली, और पूछताछ के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और सबकी निगाहें पुलिस अधीक्षक की जाँच पर टिकी हुई है। 2019 में एक केस प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक बच्चे को मार के लटका दिया गया है। तो उसी केस के रिव्यू करने के सिलसिले में आज मैंने पीओ विजिट किया है, और डिफरेंट जो आई विटनेसेस हैं या अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से पूछताछ की गई है। और उसके बाद आगे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ और अभी जो पूछताछ हुई उस खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल में काम करने वाले बीसीजी लैब टेक्नीशियन को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है, जो शराब पीने के बाद अस्पताल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। शराबी शिकारपुर थाने में पुलिस कर्मियों का पैर पकड़कर 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा और पत्नी का वास्ता देकर छोड़ने की अपील करता रहा, तो वहीं मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बेतिया में पटखौली थाना क्षेत्र के नरईपुर में तलाकशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होने वाले पति पर गला दबाकर महिला को मारने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि होने वाले पति के यहां 4 दिनों से महिला रह रही थी, तो वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो सुत गनी अपन दो नाती पोता बना सो लेके आई दुनिया अपना घर में सुत गलो, छोटू अपने घर में सुत गना लेके अभी 10 बजे रात के गैनन पेशाब करे, पेशाब कर के जगावता नन ते ना बोलन तो हमारा के गैनन तो कहत ना माय जे चलबे नहीं के बोलत, हमू ओनी तो उलाट पुलाट के बोलौनी ना बोलली तो हम चिल्लाए लगनी। तो ये कौन क्या किया है? ये आपके बेटा ही ना? तो अच्छा पति नहीं था तो उसको छुड़ा कर इनके यहाँ पगहा में
और नरईपुर में दूसरा शादी करने हेतु उन्होंने भेज दिए चार दिन पहले ही लेके आए हुए थे और ये लोग कुछ पैसे सब डिमांड किए थे, पैसा का हम बंदोबस्त कर लिए थे, आज ही आने वाले थे सर, लेकिन तब तक सूचना कल मिली हमें कि वो कोई घटना घट गई है, बीमारी हो गया है। आए तो पता चला गाँव में लोग बताए कि पुलिस जो है उठाकर पोस्टमार्टम घर में ले गई है। यहाँ आए हैं हम, देखे हैं तो पूरा एक गला पूरा जो है उनका पूरा काला पड़ गया है और लग रहा है जैसे मुंह से झाग निकल रहा था नाक से और मुंह से बल। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के गौरा चौकी के जोडली गांव की एक दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक रोशन कुमार पर दुष्कर्म कर जहर खिला देने का आरोप लगाया है। मां के बयान के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं स्थानीय थाना के SI ने फोन पर मृतिका की माँ से बात करते हुए कहा कि बयान बदल दो नहीं तो तुम ही खुद फंस जाओगी। ये बात सिटी SP स्वर्ण प्रभा को पता चली तो उन्होंने कहा कि इस पर जांच की जा रही है। उनकी इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मां का फर्द बयान लिया गया है और फर्द बयान का अवलोकन किया जा रहा है। उसमें उनका आरोप है कि एक लड़के जिसके साथ उनकी दोस्ती थी उस पर आरोप लगा रही है कि उसने जहर खिलाया है। इस पूरे मामले को हम लोग जांच कर रहे हैं और SDPO लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया गया कि PO का भ्रमण करें और वहाँ सारी स्थितियों का अवलोकन करें और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जाएगी। सब बाल बेटी के लड़का सुतल है पक्का पर, हाँ। सुतलिए तो हमारे बेटी के खोजा लगेलिए तो बिछौना पर नहीं मिले। हमें देखलिए सीढ़ी नीचा अलिए घरों में देखलिए वो दोनों छे रोशन और है दोनों संजय के छे मुँह लगा तब हम भरके पैया पकड़ लिए तो मैम देखलिए पकड़ी गलिए तो हमारा झमारिक में भागी गए। क्या किया बेटी के साथ? बेटी के साथ जे की करम कर लके हम मोतिहारी शहर में अज्ञात अपराधियों ने बाइक छीनने के दौरान एक युवक को गोली मारी जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर घायल युवक ने बताया कि नेपाल से घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में बदमाशों के साथ उसकी हाथापाई हुई। इस दौरान बदमाशों ने उसके कान में गोली मारी तो वही मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। वो लोग पल डाला था सीने पर डाला मैं जोर जोर से किया अब इधर पे क्लिच किया इधर से किया एक किलोमीटर का मैं मतलब धक्का दिया। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए Prime TV के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ।
के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से घर में मौजूद दो बच्चियां झुलस कर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच उपरांत के बाद पता चला कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये घटना हुई है। घर में अन्य सामानों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गंभीर रूप से झुलसे बच्चियों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो भी लिखित रूप से आवेदन प्राप्त होगा उसी पर जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जानकारी आपको मिला? हमरा तो खाली मिलो के गैस फट गेलो, ये दोनों बाबू झूला से बोलो तो हम यही आई हमारे घर पहाड़ी पर हम दूर के नहीं। तो कई बच्चे जख्मी है? कई बच्चे जख्मी है? कौन है? दोनों दोनों लड़की है। पोती है? कहाँ के हैं ये दोनों? बेन थाना हुआ कमाली। क्या क्या नाम है बच्चे लोग का? बच्चा खाना इतना हमको डिटेल पता नहीं, हम डायरेक्ट आ गए इधर, हमको पता नहीं है डिटेल। कहाँ का रहने वाले हैं? तो वहाँ क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी यही मिला कि दो बच्चा जल गया, उसके बाद हम जानकारी लेने पाए, हड़बड़ में चला है। तो क्या फट गया है टंकी या ऐसा ही खाना? जला हुआ कब आया है हम देख के चला है, ठीक है। उसको फिर हम वहाँ रुके नहीं है, हमको आने में लेट हो गया, हमको दूसरा लोकेशन पर। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के परतो करहरी गांव में केमिकल का डब्बा फटने से दो लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला और एक बुजुर्ग शामिल है, जिनमें महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना भयानक था कि डब्बे में आग निकली जिसमें दोनों झुलस गए। तो वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि डब्बे में पहले से कुछ केमिकल होगा जिसके कारण यह विस्फोट हुआ होगा। फिलहाल घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। एक डब्बा था और उसको लाए घर जानवर खाने के लिए और उसको काट रहे थे बीजन सर और उस जैसे काटे वो ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट कर जाने के बाद दो आदमी झुलस गया उसमें। तो ब्लास्ट किया क्या, उससे आग निकला क्या? आग नहीं निकला सर, हसुआ गर्म था सर। अच्छा ठीक है। हसुए से सोच रहे थे कि उसी से काटेंगे तो आसान से कट जाएगा, जैसे हसुआ उसमें हिलाया और ब्लास्ट कर गया। खबर नवादा से है जहां प्रखंड क्षेत्र के चितरकोली पंचायत अंतर्गत सेमिकित जांच चौकी में ट्रक एंट्री का धंधा परवान पर है। रजौली जांच चौकी पर बड़े ही आराम से वाहन की एंट्री अवैध वसूली करके हो जाती है पर इन ट्रकों की जांच नहीं की जाती। इस काले कारनामे से राजस्व को भारी चूना लगाने का भी खेल जारी है। इसको लेकर जब जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह से पूछा गया तो उन्होंने माफियाओं की सक्रियता होने को नकार दिया, साथ ही कहा कि मेरे सामने इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटती है। मोतिहारी शहर की हृदय स्थली मीना बाजार में स्थित नव युवक पुस्तकालय जो वर्षों से उपेक्षित, जिसका यहां के सांसद व विधायक इसका जीर्णोद्धार आज तक नहीं कर सके थे, ऐसे में ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे की इस जर्जर पुस्तकालय पर नजर पड़ी और उन्होंने अपने लाखों रुपए खर्च करके नवयुवक पुस्तकालय का कायाकल्प कर दिया, जिसका विधिवत लोकार्पण डीएम व राकेश पांडे के पिता श्रीकांत पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं नवयुवक पुस्तकालय के कायाकल्प हो जाने से जिलेवासी काफी खुश हैं। लाइब्रेरी का पुनर्जनन हो गया, उसमें जो भी सहयोग हुआ हमारे लड़का ने किया, लेकिन इसका उद्देश्य जो है इनका जो भी श्रेय है हमारे डीएम सर को है, जिन्होंने उनको सहयोग किया, उनके सहयोग से यहाँ जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं या मुख्यारी वासी हैं सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और पढ़ाई में शिक्षा में जिसका योगदान था उसका जीर्णोद्धार हुआ है। मैं सभी कार्यकारिणी सदस्य और हमारे जो डोनर्स हैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस कार्य को पूर्ण किया। कुछ साल पहले ये छिन्न छिन्न अवस्था में खड़ी हुई, अब यहाँ पे जो प्राथमिक उद्देश्य है रीडिंग का, लाइब्रेरी का, वो पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में जो है डिजिटल लाइब्रेरी में कैसे हम जाए ताकि जो है बहुत सारी बुक्स
डिजिटल माध्यम से लोग बच्चों को पीछे मिले। बिहार की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ।